Subscribe my channel and click the bell icon to never miss my any updates. Hey guys, welcome back to my channel abc.divya. आज हम बनाने वाले हम सबका फेवरेट सैंडविच, वो भी बॉम्बे स्टाइल में. आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे. सैंडविच मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू, प्याज, तेल, गरम मसाला, नमक, जीरा, अदरक और मिर्ची. मसाला बनाने के लिए हम गैस ऑन करते हैं. हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालते हैं और इसे गर्म होने देते हैं. हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा डालेंगे, प्याज, अदरक और इसे अच्छे से हिला लेंगे. अब हम इसमें बॉइल मेश किया हुआ आलू डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और इसे अच्छे से हिला लेंगे. अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. हरी चटनी बनाने के लिए हमने हरा धनिया धो लिया है. हम एक बाउल हरा धनिया लेंगे. हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है. हरी मिर्च 3-4 ली है. इसे हमने छोटा छोटा काट लिया है. हम अदरक को छील के साफ करके ले लिया है. नमक स्वाद अनुसार, शक्कर 1 टीस्पून और हमने नींबू का जूस लिया है. हमने 2 नींबू का जूस लिया है. अब हम इसको पीस लेंगे. हल्का सा पीसने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे. हमारी चटनी पीस ली है. अब हम देखेंगे ये अच्छे से पिसाई है या नहीं. देख सकते हैं बहुत अच्छे पिसा गई है. अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छी बनी है. सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, प्याज, टमाटर, ककड़ी, कश्मीरी सेब, चाट मसाला, आलू का मसाला, बटर और हरी चटनी. सैंडविच में हम सबसे पहले बटर लगाएंगे. हम दूसरे स्लाइस पे भी बटर लगाएंगे. इस पे ग्रीन चटनी लगाएंगे. अब हम सैंडविच में आलू मसाला लगाएंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे. ये हमारे ऊपर है कि हमें ज्यादा मसाला खाना है आलू का या कम खाना है. बाकी एक नॉर्मल सैंडविच में 1 चम्मच आलू के मसाले में हो जाएगा. अब हम इसमें चाट मसाला ऊपर से डालेंगे, ककड़ी की स्लाइसेस, टमाटर की स्लाइसेस और प्याज की स्लाइसेस और फिर से हम थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देंगे और इसे पैक कर देंगे. अब हम गैस ऑन कर दिया है. अब हम इसे मेल्ट कर देंगे और हम सैंडविच को गैस पे रखेंगे. अब हम सैंडविच को तवे पर रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे. सैंडविच के ऊपर भी बटर लगा देते हैं और इसे टर्न कर देते हैं. हमारा सैंडविच बहुत कितना ही क्रिस्पी और ब्राउन बना है. इसे दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे. अब हम चेक करेंगे हमारा दूसरी तरफ से भी ब्राउन हुआ है या नहीं.
इस तरफ से भी सिक गया है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल मुंबई स्टाइल में चार पीस में कट कर लेंगे। अब हम इस पे हरी चटनी लगाएंगे और कश्मीरी सेव डाल देंगे और हमारा सैंडविच तैयार है। अब हम हमारे सैंडविच को हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बना हुआ है। अगर आपको मेरी बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन माय चैनल abc.divya। बाय।